एंड इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको मिलेगा डिफ्यूज मोड। इसी खुशी तो आज मिली है, इसको ऐसे देख के नहीं मिली। लगा हुआ इधर 18/7 को ऑर्डर लगा। या तो टी शर्ट भी अभी सुबह निकाल देते हैं, ये वाली कलर पहननी है। हुंडई ने इसको लॉन्च किया है 25,70,000 के प्राइस पे। मतलब हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होगा, लाइफ को फुल मजे से जी रहे हो। मतलब मजे में होगा, मजे से ही जी रहे हो अपनी लाइफ को। तो भाई अभी मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ टाटा की वर्कशॉप पे यश भाई को लेके। भाई ऐसा क्या होगा कि हमें सुबह सुबह टाटा के वर्कशॉप जाना पड़ रहा है? वो इसलिए जा रहे हैं कि ना जो सिस्टम वहाँ वर्कशॉप में भाई दे रखी थी रिपेयर होने के लिए, उसका क्या स्टेटस है, मतलब पार्ट्स ऑर्डर हुए हैं नहीं हुए हैं, वो रियल स्टेटस चेक करना है भाई। क्योंकि फोन पे तो बात हो रही है कि हाँ सर ऑर्डर लगा हुआ है, वो ऑर्डर आएगा कब भाई? रियल जानकारी, असली जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं भाई कि गाड़ी कितने दिन में मिले। क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम यार 25 दिन मांगे थे, वो तो हो गए या होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज पता करने के भाई कब तक होगा, कब तक मिलेगी गाड़ी? महीना लगेगा, दो लगेंगे, तीन लगेंगे, बता तो दो यार, क्लियर तो कर दो। क्योंकि ZX Tata पे मेरी गाड़ी सर्विस के लिए जाती है, वहीं मेरी गाड़ी ठीक हुई थी, ठीक। तो इसलिए फिर मैंने यश को बोला कि यार वहीं पे दे दे, अपना बंदे हैं वहीं करा लेंगे, जल्दी हो जाएगा। पर भाई जल्दी तो नहीं हुआ, अब पार्ट पीछे से मिल ही नहीं रहा भाई सफारी स्ट्रोम का, क्या करें? बड़ी समस्या का, और उसी समस्या का समाधान ढूंढने फिर जा ही रहे हैं भाई, देखो क्या बनता है। आज भाई टुसोन के प्राइसेस भी रिवील हो जाएंगे इस वीडियो में, आपको टुसोन के प्राइसेस भी मिल जाएंगे। एंड गाड़ी बहुत अच्छी है, आज आपको गाड़ी भी दिखाएंगे, गाड़ी का वॉक अराउंड करके आएंगे, हम जाएंगे गाड़ी का वॉक अराउंड करने भी। यहाँ से फ्री होता हूँ मैं, फिर एक बार मेरे को थोड़ा सा ऑफिस में कुछ एक घंटे का काम है, तब वर्कशॉप जा ही रहे हैं। तो भाई इसका सर्विस रिमाइंडर है उसको भी रिमूव करा लेंगे, और अपना डिग्गी पेंट करने के लिए गाड़ी कब भेजनी है ये भी पूछ लेंगे। मॉर्निंग ऑफिस चल रहा है, ऑफिस देख लो भाई, साथ में अब शुरू होएगा अभी। क्या बात है, हम पहुंच गए भाई टाटा की वर्कशॉप में, एक बार अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं क्या होता है। सारी बातचीत आपको बताई जाएगी, क्या स्टेटस है, असली स्टेटस क्या है, और ये कॉर्पोरेट के मारे। अरे बाजी। तो भाई ना इसका भाई अभी रीसेट करेगा सर्विस ड्यू 15 सेकंड तक है। चलो भाई से पाने पे ला के, ये भाई ऐसा है ना 0 किलोमीटर जो पाने पे लिखा है, यहाँ ला के भाई 15 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। अभी ब्लिंक करेगा है, फिर छोड़ दो, फिर से एक बार दबाए रखना। अच्छा, एक बार छोड़ के फिर 15 सेकंड दबाना है, ओके, फिर इरेज हो जाएगा। मैं इसको दबा तो रहा था पर 10 सेकंड तक दबा रहा था, ठीक है, उससे ज़्यादा मैंने दबाया नहीं। तो माँ यार माँ चलो हो जाता होगा, फिर माँ छोड़ यार, जाना तो इधर वहीं करा लेंगे, गया इरेज हो गया। चलो अब सर्विस होगी, अब पक्की सर्विस होगी इसकी। अब भाई ये देख लो, ये लगा हुआ है इधर 18/7 को ऑर्डर लगा हुआ भाई, सारी चीज़ों का पूरी लाइन से लगा हुआ है, पूरा गाड़ी नंबर के साथ लगा हुआ है। कंटिन्यू थी जब भी पार्ट नहीं थे इसके, तो सफारी के खैर कभी से शुरू से ही है, जब से सफारी लॉन्च हुई है ना, सिंस 1998 से ही। तो फिर मन नहीं दुआ दे भाई, कुछ तो कर दे, कुछ हो सकता है कुछ हमारे एंड से भाई, हमारे को कुछ मेल वेल करनी हो बता दो, एक बार सर से मिल लेते हैं भाई, अक्षय ने तो भाई काफ़ी मदद कर दी हमारी। चलो सर जी बता दी भाई, इतना डिटेल भी भाई कोई नहीं बताता, पर भाई ने क्लियरली दिखा, देखो सर 17 तारीख कॉपी गाड़ी मेरे पास आई थी और 18 को ही ऑर्डर लगा देते, सारे ऑलरेडी गए हुए हैं विद पार्ट नंबर। अब तो टाटा के एंड पे उम्मीद है भाई, टाटा से करा दो यार प्लीज़, अरेंज करा दो। अब भाई आए हैं तो भाई अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी है उसको भी देखते चलते हैं। इसी खुशी तो आज मिली है, इसको ऐसे देख के नहीं मिली, वो क्या कारण है वो भी गाड़ी में चल के बताता हूँ। तो भाई जिस छोटी सी खुशी की मैं बात ये कर रहा था कि जो अपने मोस्टली पार्ट्स है ना वो आ चुके हैं, एक बोनट आना बाकी है और एक दो पार्ट हो रहा है वो आने बाकी रह गए, बाकी लगभग सारे पार्ट आ गए, ये जानकारी हमारे को प्राप्त थी जब हम GM सर के पास गए थे। एक दो पार्ट्स और आने हैं, मैं सर वो कब तक आएंगे प्लीज, मतलब कब दी थी और क्या टाइम हो गया? तो बोला सर हमें भी खुद बहुत बुरा लग रहा है पर क्या करें। और भाई नीचे लैपटॉप खोल रखा है ना भाई ने, ऑफिस तो चल ही रहा है साथ साथ, तो भाई ये भी जरूरी था आके पता करना, क्योंकि देखो पर्सनली जब आप आके मिलते हो ना तब भाई पता लगता है आपको, और आपको भी संतुष्टि तभी मिलती है कि हाँ पर्सनली, फोन पे तो ऐसा लगता है कि बंदा गोले। भाई ने सिस्टम पे दिखा दिया कि देखो सर ऑर्डर जब से लगे हुए हैं अंदर, हमने बॉडी शॉप मैनेजर से जब बात की बोला सर छोटे मोटे पार्ट्स बाकी हैं, छोटे मोटे नहीं, एक बोनट बाकी है और एक दो आइटम और आपकी बाकी। अर्जेंट पार्ट मंगाने का जो इनका प्रोसेस होता है ना वो खुलता है भाई इनका 20 दिन के बाद, कि अब हमारे को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इस सामान की, हमारा अच्छा रिलेशन है यहाँ पे। तो भाई बोला सर कोई बात नहीं, हम जल्दी आपके लिए अरेंज करते हैं। जल्दी तो क्या है भाई, अब तो दिन एक महीना हो गया, एक महीना हो जाएगा, तो वही बात है
हमारे को ये था कि गाड़ी एक महीने बाद ही मिलेगी, ये तो हमारे मन में पहले ही था। पर ना पार्ट आने के बाद तो काम शुरू हो ही जाएगा, अगर मान लो पार्ट आ गया तो उसके बाद तो मैक्सिमम एक हफ्ता ही लगेगा गाड़ी को रेडी होने में। तो वही कहते बोला सर हम काम तो स्टार्ट करा देते पर लेकिन हम ये वेट कर रहे हैं कि पार्ट एक बार सारा कंप्लीट हो जाए। तो जैसे सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा गाड़ी में काम शुरू हो जाएगा। और वेट कर लेते हैं भैया, जरूरी है, और क्या कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं है भाई, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई वही भाई जो मुझसे बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि विक्रम भाई गाड़ी दिला दो, स्ट्रोम दिला दो। तो भाई जैसे ही गाड़ी स्ट्रोम तैयार हो जाएगी आपको गाड़ी भेज देंगे। और बताओ भाई, पैसे की बात यश भाई का से कर लेना। ये है उतरा कपड़ा भाई, और ये निकल के आई नई टुसॉन, द ऑल न्यू टुसॉन भाई। आज टुसॉन की लॉन्चिंग सेरेमनी है डीएम ह्यूंडई में भाई, एंड कलर बड़ा प्यारा लग रहा है भाई। आजकल ग्रे का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ही चला हुआ है भाई। एंड भाई सबसे पहले तो भाई इसकी ग्रिल देख लो, मतलब ह्यूंडई फैमिली में अब ये नई ग्रिल ऐड हो गई। इसकी शुरुआत हो गई थी भाई वेन्यू से, एंड देन उसके बाद अब भाई ये टुसॉन में, एंड देन फिर आगे आएगी आपकी क्रेटा में। तो मतलब भाई अब यही ग्रिल कंटिन्यू होगी ह्यूंडई में। एंड देन इसके एम्बेडेड यहाँ डीआरएल्स हैं, लाइट इसके अब स्प्लिट कर दी गई हैं, लाइट आपकी नीचे आ गई हैं, फ्रंट सेंसर्स भी मिलेंगे। मैं आज आपको ना भाई, क्योंकि बहुत भीड़ रहेगी शोरूम में, तो जस्ट मैं आज आपको इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। सबसे पहले एंजॉय अलॉयज का डिज़ाइन रहेगा, वही ह्यूंडई फैमिली में सेम ऐसे ही डायमंड कट रहता है भाई। एंड टायर साइज आपको मिलेगा इसमें 18 इंच का 235/60/18, आगे भी डिस्क और आपको पीछे भी डिस्क मिलेंगे। एंड इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलेगा आपको इसमें। कॉन्ग्रेचुलेशन कवल भैया, द न्यू टुसॉन भाई। आपको एक प्रॉपर कंफर्टेबल लग्जरी 5 सीटर सेडान मिलेगी, सेडान नहीं एसयूवी, क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी। एंड जस्ट ये आप निकाल सकते हैं, रिक्लाइनिंग सीट्स आपकी दोनों ऑप्शन रहेगा उसमें। एंड जो आपका स्टेपनी रहेगा वो यहाँ आएगा, स्पेस सेवर स्टेपनी मिलेगी आपको इसमें। एंड इलेक्ट्रिक टेल गेट इसको बंद करो, लाइट है वो पूरी तरह से कनेक्टेड रहेगी। एंड यहाँ पे आपको ह्यूंडई का लोगो मिलेगा, मोस्टली ये लोगो यहाँ मिलता है, अभी ग्लास के अंदर ही है, वाइपर आपको यहाँ अंदर मिलता है भाई इसके। एंड रूफ की बात करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे शार्क फिन एंटीना एंड पैनोरामिक सनरूफ विद रूफ रेल्स, और ये रूफ रेल्स फंक्शनल नहीं है। एंड ऐसा रहेगा भाई आपका इंटीरियर नई टुसॉन का, फुली डिजिटल है भाई, इसमें एनालॉग कुछ भी नहीं है, ये भी सारा डिजिटल। अभी चाबी आती है तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये भी सारा टच में रहेगा, सारे गेस्चर्स हैं इसमें। एंड सेंटर में आपको यहाँ पियानो ब्लैक सिल्वर फिनिश मिलेगा, ऑल व्हील ड्राइव में भी आपको गाड़ी मिलेगी विद ड्राइविंग मोड्स। यहाँ आपके ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, ये ऑटो पार्क, कैमरा, सेंसर्स, वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी आपको गाड़ी के अंदर। ऐसी रहेगी भाई कार की लॉक अनलॉक, और जो होल्ड वाला बटन है भाई ये इंजन स्टार्ट करेगा, इसको आप प्रेस करके रखते हैं तो ये इग्निशन में देगा। दोनों की आपको सेम ऐसी ही मिलेंगी। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा डिफ्यूज मोड, अगर आप डायरेक्ट फ्लो एसी का अपने फेस पे नहीं चाहते तो आप डिफ्यूज मोड लगा दीजिए, वहाँ से आराम आराम से कैबिन ठंडा होता रहेगा। ऑटोमेटिक IRVM रहेगा, फुल पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी आपको इसमें। एंड एक इसमें बॉस मोड मिलेगा आपको यहाँ पे, जो फुली इलेक्ट्रिक है, मतलब यहाँ से बैठ के आप अपनी सीट आगे पीछे और अपना रिक्लाइनिंग सारी चीज़ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मिलेगा आपको सेंटर आर्मरेस्ट जो बहुत ही ज़्यादा डीप है भाई, काफ़ी अच्छा स्टोरेज है इसमें आपको मिलेगा। यहाँ आपको बूट ओपनिंग का स्विच मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको इसका मिलेगा ट्रैक्शन ऑफ का स्विच। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका फुली डिजिटल रहेगा, काफी फीचर्स इसके वेलकेदार मिलते थे उसमें और ज़्यादा ऐड हो गए हैं। कार कनेक्टेड फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, ब्लू लिंक ये सब मिलता है भाई इसमें। यहाँ पे आपको दो फास्ट चार्जर्स मिलेंगे USB के मिलेंगे, एंड 12 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा इसका वायरलेस चार्जर, यहाँ पे आपको इसकी सीट एडजस्टमेंट मिलेंगी, दो एडजस्टमेंट आप रख सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा बॉस का साउंड सिस्टम मिलेगा विद 9 स्पीकर्स, एंड ये आपके पावर विंडो स्विचेस मिलेंगे यहाँ पे, ऑटो फोल्ड। ये तो भाई अब बड़ा ही बेसिक फीचर है इतनी लग्जरी एंड गाड़ी के लिए। पियानो ब्लैक फिनिश, ग्रे फिनिश, फैब्रिक सिल्वर, मतलब हर चीज़ फिट एंड फिनिश यार पूरी प्रॉपर है। और स्टेयरिंग की बात करना तो मैं भूल ही गया था भाई, स्टेयरिंग पे आपको यहाँ मिल जाएंगे क्रूज कंट्रोल्स एंड MID कंट्रोल्स, एंड इधर आपको मिलेंगे इसके वॉइस कंट्रोल्स एंड म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स। एंड इस गाड़ी में आपको मिलेगा एडास लेवल 2। आगे हम गाड़ी की रियर सीट में, रियर में भी आपको 2 AC वेंट्स मिलेंगे, यहाँ से आगे वाली सीट को आप ऐसे भी कर सकते हैं बैक एंड ये, तो मतलब बॉस मोड भाई पूरा इलेक्ट्रिक है इसमें। पैनोरामिक सनरूफ का पूरा व्यू, मतलब आपको मतलब ग्लास, मतलब
पूरा कैबिन आपको ना इसमें ना पूरा एयर ही लगेगा, क्योंकि पैनोरमिक सनरूफ है, पूरी आपकी सेकंड रो तक आती है कंप्लीट। जो सेकंड रो की सीट्स हैं उसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं ऐसे आराम से रिलैक्स मोड में, और आगे भी कर सकते हैं एक्टिव मोड में, मैं तो ऐसे बोलता हूँ। और भाई जो इसकी लाइट्स, ग्रिल, मतलब एवरीथिंग यार, फिट एंड फिनिश में भाई बहुत ध्यान देते हैं हुंडई, और इस गाड़ी में भी भाई बहुत बढ़िया ध्यान दे रखा है। ये तो खैर आज सिर्फ वॉक अराउंड है, गाड़ी का पूरा रिव्यू भी बहुत जल्द आएगा। एंड इस गाड़ी में आपको मिलता है 2 लीटर का डीजल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 186 BHP एंड 450 Nm टॉर्क। टू व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, दोनों ऑप्शन में आपको गाड़ी मिलेगी, वो डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आज इतनी, एंड बाकी फुल कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दूंगा इसके रिव्यू पे। भैया जी राम राम, क्या हाल है भैया? मतलब भैया एकदम तो कैमरा ऑन कर दिया, भैया शर्मा आ गए हैं। और भाई लगता है अभी 13 मारे किस्मत में नहीं है, है भैया? और वकील साहब से मिला है, वकील साहब कैसे हैं आप? सर ये कवर कैसे है? वकील साहब पिंक कलर लेंगे आप? पिंक ये सजेस्ट कर रहे हैं भाई, भाई तो पिंक टी शर्ट पहन लिया है, या तो टी शर्ट भी अभी सुबह निकाल देते हैं, ये वाली कलर पहननी है। फॉर्मल सा दिखाओ कोई। अच्छा बिना कवर? नहीं सर बिना कवर के अच्छा लग रहा है, बिना कवर अच्छा लग रहा है, ब्लैक ले लो, ट्रांसपेरेंट लगा लो। हाँ और एक लवर खड़ा है अपनी डम्मी की बाट में, मिल गई भाई अब तो फोन तो दे दिया नहीं भैया ने, कह रहे व्हाइट कलर नहीं दूंगा यार, वो दे दूंगा तेरे को भैया। भैया कह रहे हैं भाई पूजा तो दुआना है, तो भाई 14 दुआ दे, पुराना भी क्यों दुआ, मतलब जाने वाला टाइम है ना। ठीक है यार लेटेस्ट फोन आएगा, 20 दिन की बात हो रहा है, 20 दिन बाद फिर चक्कर लगा देंगे पानी, तो क्या फर्क पड़ता है? पानीपत से तुम्हारा सारा ही नाता है भैया, कोई नहीं भैया के पास आ जाएंगे, मल्होत्रा चिकन खाने आ जाएंगे भैया के पास, उनको भी चक्कर लगा देंगे। अभी देखो पिछले अभी गुशगुश हुआ था ना, उससे पहले मैं कहा था गुड़गांव, अब फिर एक गुशगुश हो जाएगा एंड देन उसके बाद मैं कहूंगा वो कैसे लोग। और जी एज यूजुअल मेरा स्टॉप भाई करनाल, टोल क्रॉस करते ही नीलकंठ स्टार, अब यहाँ रोकते हैं भाई, कुछ खाते हैं, भूख लगी क्योंकि आगे तक पहुंचेंगे तो भाई लेट हो जाएंगे, और फिर लेट खाना खाना सेहत के लिए खराब है, तो अभी यहाँ रुकते हैं फटाफट, कुछ खाते हैं, दाल रोटी खा लेते हैं। तो जी इस गाड़ी के पीछे मैंने गाड़ी खड़ी की है, और आज तो भाई इतनी भीड़ है, मेरे को तो 5-7 मिनट वेट करना पड़ा भाई यहाँ गाड़ी लगाने के लिए, और इसके बाद ना फिर ना वही बात है, लेट हो जाते यार खाना खाने में, 2-4 दिन से भाई बहुत गर्मी हो रही है, और आज तो ना पूरे दिन में जबरदस्त गर्मी थी। फटाफट भाई ऑर्डर करते हैं, खाते हैं और निकलते हैं। तो जी डिनर हो गया, आ जाओ बच्चों आ जाओ, चलते हैं सीधा गाड़ी में बैठते हैं। तो जी पहुंच गए हम ट्राई सिटी में, और भाई अब यहां से हमारी स्टार्ट हो जाएगी ट्रिप की जर्नी। और भाई टाटा में आज गए थे, वहां पे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, VAR होगा अब वहां पे, और उम्मीद है भाई नेक्स्ट वीक से सफारी का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, सफारी स्ट्रॉम का। एंड देन भाई अब तो आईफोन 14 नहीं लेंगे, अब 13 नहीं लेंगे यार, दिन ही कितने बच गए यार, फिर वैसे भी 13 अब लेंगे तो वो वैसे भी 14 के लॉन्च होते ही सस्ता हो जाएगा, तो क्यों पैसा खराब करना, अब तो सीधा 14 ही लेंगे। और Hyundai Tucson का फुल डिटेल रिव्यू भी आएगा, उसकी टेस्ट ड्राइव भी आएगी, सारा कुछ आएगा, लेकिन कुछ समय बाद ट्रैवल व्लॉग्स चलेंगे, देन ट्रैवल व्लॉग्स के बाद आएगा उसका कंप्लीट रिव्यू। और भाई Hyundai ने इसको लॉन्च किया है 25,70,000 के प्राइस पे, मतलब फर्स्ट जो इसका है, दो वेरिएंट रहेंगे इसमें, आपका सिग्नेचर रहेगा और प्लैटिनम रहेगा, प्लैटिनम बेस मॉडल है एंड सिग्नेचर टॉप वेरियंट है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आएगी भाई ये, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको नहीं मिलेगी, सिंगल टोन डुअल टोन का ऑप्शन रहेगा, ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव का भी आपका ऑप्शन रहेगा, और टॉप एंड वेरिएंट पड़ेगा आपका ऑलमोस्ट 39,90,000 या 95,000 ऑन रोड। तो देखते हैं भाई कैसी चलती है गाड़ी, बाकी गाड़ी में फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं और गाड़ी में स्पेस भी भरपूर है भाई। और दो आपके इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनका जवाब मेरे को देना है, और काफ़ी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, रहती है, मुझे DM भी आते हैं उस चीज़ के रिक्वायरमेंट में, तो दो वीडियोस आने वाले अब मैं अगले उसके ऊपर ही प्रॉपर डेडिकेटेड डालूंगा, एंड देन फिर स्टार्ट होगी अपनी ट्रैवल वाली वीडियोस, एंड देन उसके बाद यार अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे, आप मस्त मज़े से देखते रहिए ठीक है ना, और अपना ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब करते हो तो भाई वीडियो भी जरूर देखा करो। ओके जी गुड नाइट।